बड़वाह का सबसे व्यस्तम मार्ग एवं सबसे ज्यादा व्यस्तमय चौराहा जो कि बड़वाह की शान है। इस चौराहे पर स्थित नगरपालिका वाचुनालय का भवन विगत कई वर्षों से विवाद का विषय रहा है। यह भूमि लेज की होकर गलत तरीके से किसी ने नामांतरण करवाकर इस भवन पर अपना कब्जा कर रखा है, जिसकी शिकायत नागरिकों को द्वारा कई बार की गई है। साथ ही मुख्य समाचार पत्रों के माध्यम से भी यह बात उठा चुके हैं। इस संबंध में जेडी का लिखित आदेश इस भवन को खाली करवाने हेतु नगरपालिका कार्यालय में आया था। उस समय सीएमओ केशव सिंह सगर, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अनुकूल जैन के साथ तहसीलदार रंजना पाटीदार ने मौके का मुआयना कर एक नोटिस संबंधित को दिया था। तत्पश्चात नगरपालिका की नई परिषद बैठने के बाद परिषद की पहली मीटिंग में इस विषय को लेकर कई निर्णय लिए थे, किंतु आज दिनांक तक स्थिति जस की तस है। आईबीएन 24 के लिए सुनील परिहार की रिपोर्ट। ये नगरपालिका वाचनालय की का जो विषय है ये बहुत दिनों से पेंडिंग पड़ा है। ये लीज की जमीन है और खाली करने के जेडी से आदेश भी हुए हैं और नगरपालिका परिषद में भी बैठक में इसके लिए निर्णय लिया गया है। तो ये कब तक खाली होगा या क्या कार्रवाई की जाएगी नगरपालिका की ओर से? नगरपालिका द्वारा हमको अंतिम सूचना पत्र भी दे दिया गया था, जैसा आपने बताया पूर्व में सारी कार्रवाइयाँ भी हो गई थी। अब उसके बाद में जो है हमने अंतिम अवसर देने के लिए विचार किया कि सुप्रीम कोर्ट एक बार अंतिम अवसर देने, ताकि क्या होता है कि कल को जब कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट भी इस बात को बहुत माइंड करती है कि आपने उनको सुनवाई का अवसर दिया या नहीं दिया। तो इसीलिए हमने जो भी तीन लोग हैं जिनको लीज समाप्त करके पोजिशन में लेने का और हमारे शहर के विकास की योजनाओं में शामिल करने का है, तो उनमें ये भी है निश्चित रूप से आप ये माने कि बहुत जल्दी हमने घर उसमें अंतिम कार्रवाई की तरफ किया है।